ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य नमो अरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयिरियाणु नमो वज्जायाणु नमो लोये सबसाहु आई देखते फ्रंट पेज से ही देखते जाओ, रीडिंग ज्यादा करेंगे क्योंकि अपना एक पीरियड कम पड़ गया, दो पीरियड कम हुए इसमें, इसलिए अपने को केवल पढ़ाना है। बाद में इस पर गोष्ठी करना आप आपस में मिलवा करके, और नहीं आए तो पंडित जी हैं आप इनसे पढ़ना। निश्चय व्यवहार द्वादशांकर रक्त है, दृष्टांत दिया था आपको। फिर श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में लिखा है ज्या ज्या जय जय योग्य छे त्यहां समझू ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। बहुत ही जबरदस्त दो लाइनों में एक मास्टर की सौंपी उन्होंने। ज्या ज्या जय जय योग्य छे, विश्व में जितने झगड़े होते हैं, विश्व में कह रहा हूं विद्वानों में भी जितने झगड़े होते हैं वो इसको भूल कर होता है। यदि हम कहें ठीक से खाओ तो झगड़ा कर दो, हाथ में कहीं खाता है, ये खाने की बातें कर रहे हैं। हमने कहा जी हमारा घर है, ले पंडित जी इतने बड़े प्रवचनकार और कितो मुंह है इन्हें, कह रहे हैं हमारा घर, हमारे ग्रैंड फादर निश्चय व्यवहार नहीं समझते थे और मसाले की दुकान लगाते थे इंदौर में। तो एक विद्वान आए, एक विद्वान, तो उन्होंने पूछा धनिया क्या भाव है, तो हमारे ग्रैंड फादर तो कुछ समझते तो थे नहीं, तो उन्होंने बोले निश्चय से लोगे कि व्यवहार से, ऐसे बोले। अब वो विद्वान तो समझदार थे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने एक किलो दे दे और लेके चले गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने ये कहना चाह रहे हैं कि झगड़े ऐसे होते हैं, हम कहें आत्मा शुद्ध है झगड़ा शुरू, ऐसे कैसे शुद्ध है, पर्याय तो है, शरीर तो है, कर्म तो है। ध्यान रखना बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनना, खासतौर से जो आप मूल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जब कभी कोई कहे ना कि आत्मा शुद्ध है तो आप ये मत पूछोगे कि ऐसे कैसे कह रहे हो, आप उनसे जिज्ञासा करके पूछिए रागादि के काम में भी आत्मा शुद्ध थे किस प्रकार, आप विवेक से पूछ लो। चलो जैन समाज में शुद्ध कहना तो सरल हो गया, मोक्ष समाज में ये कहना बड़ा कठिन है कि आत्मा अशुद्ध है। एकदम घबराए, कैसी बातें कर रहे हो, आत्मा अशुद्ध है, आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। भाई त्रिकाल शुद्ध है उसकी भी एक विवक्षा है और आत्मा अशुद्ध है इसकी भी एक विवक्षा है। अब तो आप बता सकते हो आत्मा अशुद्ध है, बोलो दो नए बताने आपको, दो नए, आत्मा अशुद्ध है दो नए बताने, पांच में सात में से याद हो गया, तीन और पांच, तीन नंबर से भेद करके कह देंगे आत्मा राग आदि का करता है अशुद्धता का करता है, और वहां कह देंगे आत्मा शुद्ध है उसमें क्या दिक्कत है। आगे बात समझ में आई, नहीं ऐसे समझ, जहां जहां जे जे योग्य से तहां समझबूत थे वहां वो ही समझने, बस झगड़ा कभी नहीं होगा। मुझे इस मामले में बड़ा आनंद आता है, मैं सबके प्रवचन सुन लेता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है सबके। तो लोग मेरे पूछते आपको टेंशन नहीं हुई, मैंने टेंशन की क्या बात, जो जितना आप जिस अपेक्षा से आप, एक बहुत अच्छी बात पढ़ेंगे आप लोग नए चक्र में, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, याद होगा आपको वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, तो आप उसका अभिप्राय समझने की कोशिश करो ना, झगड़ा कभी नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये केवल जिनवाणी पढ़ते समय काम नहीं आएगी। आपने देखा वो इतने पीरियड लगने के बाद कि आर्ट ऑफ लिविंग की तरह काम आएंगे। यदि आपके टीचर या आपके पेरेंट्स या आपके बुआ जी आपको बोले तुम बिल्कुल ना लायक हो तो आपको मजा आएगा, सही कह रहे हैं। यदि लायक होते तो मोक्ष में होते, क्या कहा, नालायक है जब तो यही है,
अब उनसे ही पूछो ऐसी कौन सी गलती हो गई उसे मैं दूर करूं, पर इतने प्रेम से पूछो, ये आपकी शिष्यता कहलाएगी, ये आपकी लघुता कहलाएगी, ये बहुत बड़ा गुण बन जाएगा आपका जिंदगी में। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति बोले आप बहुत पापी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कुछ भी बोले बोल सकते हैं। मान चलो आपको दो लड्डू मिल गए और फिर भी आप अपनी सहेली से कह रहे एक और दे दे, बहुत लालची हो, बहुत चटोरी हो। आप हंसो, हाँ सही बात है, सब लोग तो एक खा के ही संतुष्ट है, मैं तीन खाना चाहते हैं, तो बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या करें, क्या करें, मतलब आगे बोलो, हंस के बोलो क्या करें। समन्त भद्र स्वामी को तो 40 किलो खाते थे, हम तो तीन ही खा रहे। अब है इतना लालच है मुझे, मैं क्या करूं। हम तुम्हारी शिकायत करेंगे बुआ जी से, तुम क्या करोगे, हम खुद ही चल रहे, चलो बुआ जी मैं लालची हूं। क्या करूं, मुझे लड्डू इतने टेस्टी लगे हैं कि मेरे को दादी की याद आ गई, ऐसी लड्डू दादी बनाती थी। बोलो से क्या दिक्कत, हम क्या करते हैं, या तो चुप या लड़ना शुरू कर दे। तुमने ऐसा बोला मुझे, तेरी ये हिम्मत, मान लो जूनियर बोल दे तो बेचारे का। नहीं नहीं, जूनियर बोले तो अभी कोई बात नहीं, सीनियर बोले तो यथार्थ बोल रहे, जिस व्यवस्था से कह रहे हो वो व्यवस्था समझो। मैं सच कहता हूँ, मुझे इस नए चक्र का बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, मैं आज तक तो दुखी नहीं हुआ। घटनाएं तो सबके साथ घटती है, मेरे साथ भी घटती, लेकिन दुखी अभी तक तो नहीं हुआ, टेंशन में जिंदगी नहीं गई एक दिन भी। मेरे पास खनिया दाना में रहते हुए पत्र आए, हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम पर्चा छपा देंगे आपके खिलाफ, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये क्या क्या लिखा था, बहुत गंदा गंदा लिखा था। हम सबसे पहले वो पत्र लेके अभिनंदन जी भाई साहब के पास गए, भाई साहब ये पत्र आया है, हो सकता है कल कुछ घटना घटे, मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, आपको तो इसी समय छोड़ के जा सकता हूं, इसी समय निकल जाऊंगा यहां, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दिखाया उनको, ट्रस्टियों को दिखा दी उसी दिन, उसी देर ही नहीं लगाई, आप लोग फैसला कर लो, कल कोई बात हुए तो आपको बुरा लगे, पहले ही जाने तैयार हुए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छे से रहो। तीन पत्र आए, तीनों पंडित साहब को दिखा दी, मैं ऐसे पत्र आए, पंडित साहब ने फाड़ के फेंक दी। मैंने अपन डरो काहे के लिए, अब उसने लिखा है तो उसने गलत नहीं लिखा था, उसने लिखा था उसने गलत नहीं लिखा, क्यों, उसकी सोच ऐसी है। आजकल के लोगों की सोच है कि कोई को ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, और मेरे निमित्त से ब्रह्मचारी बन रहे थे, उनको तमाम ऐसा लगता है जी जरूर इमोशनल कर देते होंगे, और नए नए बच्चों को कर देते हैं, और ऐसा कर देते हैं और वैसा कर देते हैं, और बहुत 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 कुछ लिखा था। मैं आज कह रहा हूँ खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मतलब अब क्या दुखी करेगा कोई। और यदि आपका वो कमी है तो मैंने एक दिन बताया था, मैं हाँ कमी है, बहुत कमियां हैं, आगे आपकी समझ आई बात, तो आपको इसलिए बात रिपीट करके कही आप दुखी मत होना। निश्चय ने व्यवहार ने को जहां जहां जे जे योग्य थे तहां समझू ते, और जित्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए, वही आत्मार्थी है। बहुत बढ़िया, एक और नीचे बहुत अच्छा कोटेशन दिया है, ज्ञानी कोई बुरा मान जाएगा ये नहीं सोचते, ज्ञानी कोई बुरा मान जाएगा ये नहीं सोचते, उसके स्तर पर क्या सोचते हैं, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, इसमें ज्यादा सावधान रहती है, किसी का बुरा ना हो जाए। जनरली मालूम क्या सोचते हैं, जैसे आपकी कोई गलती और मैं बता दूं तो सबसे बड़ा खतरा वक्ता को ये लगता है कि वो बुरा मान जाए। सुना, आप बुरा मान जाओगे इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका बुरा हो जाएगा इसकी बड़ी टेंशन है। समझ आए बेटे, तो आपके बुरा होने, समझ रहे बेटे, सारे बच्चों से कह देना आप बुरा मान जाओगे इसकी हमें तकलीफ नहीं, लेकिन आपको बुरा हो जाएगा इसकी बहुत तकलीफ है। डॉक्टर होता है, डॉक्टर उसके कोई मजीद आता है, यदि वो केयरलेस होता है, वो नहीं पालता, क्या कहता है, परहेज नहीं करता है, तो डॉक्टर उसकी पैसे लेने के लिए तैयार नहीं, आप जाइए हम आपका इलाज नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे, पैसे दे रहे ना, नहीं हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, क्यों, यदि आप हमारा इलाज कराते मर गए या बीमारी बढ़ गई या रिएक्शन हो गया तो आप हमारी बदनामी होगी। वो ऐसे जैन शासन में आकर के यदि कोई निहोश जाता है ना तो उसे जैन शासन की बदनामी होगी। शाश्वत धाम में पढ़ने वाली बच्ची यदि कहीं बदनाम होती है ना तो संस्था बदनाम होती है। क्या तुम्हारी शाश्वत धाम में यही सिखाया जाता है,
अभी तक पता है क्या होता है? आपने घर में सुना है जब कोई बहू गलती करती है तो मम्मी उसे सास क्या कहती है? तो वही अम्मा ने जो ही सिखाओ, अब डायलॉग बदल जाएगा। अब आप यहां से पढ़ के जाओगे और कोई बात होगी, क्यों सास और धाम में जो सिखाया जाता है ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उन्होंने अब डायलॉग बदलेगा। डॉक्टर बदनाम नहीं होना चाहिए, ऐसे देश गुरु बदनाम नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ में आई? आगे चलो। पढ़ने की शैली है ज्ञात से अज्ञात को जानना, और यह लिखा है सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म को जानना। तो जो मैंने आठ नंबर एक नंबर बोला ना, एक नंबर ये स्थूल है और आठ नंबर सूक्ष्म है। हमने स्थूल से सूक्ष्म की ओर गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर गए हैं। जैसे आप पंचेंद्रीय जीव हो, ये ज्ञात है आपको, सारा जगत जानता है कि आप जीव हो, लेकिन हम कहां ले गए आखिरी में आठवें नंबर पे कि नहीं नहीं ये शरीर जीव नहीं है, ये मोहिराग्रेस भी जीव नहीं है, और बोलूं ये केवल ज्ञान भी जीव नहीं है, ये मोक्ष भी जीव नहीं है। मोक्ष तो है लेकिन मोक्ष जीव नहीं है। जीव का आश्रय लेने के लिए कहा है हमने, मोक्ष का आश्रय लेने के लिए नहीं कहा, शिवसम का आश्रय लेने के लिए नहीं कहा। और हमें तो राग है, हमें तो द्वेष, हम क्या करें? जी राग द्वेष का आश्रय लेना हो गया। आप राग द्वेष की टेंशन नहीं करो, हमने जीव का आश्रय, आप इतना तो आप समझते होंगे सम्यक दर्शन के लिए किसका आश्रय लेना है? जीव का। तो आप तो मोहिराग द्वेष का आश्रय ले रहे, वो तो आश्रय बन तत्व है। एक सुंदर कला इसमें है। तो आपको जीव का, तो जीव का निर्णय आज शाम से और कल सुबह दो पीरियड में अपन करेंगे, इसमें से इसी में से पढ़ाऊंगा। बराबर, आगे चले। निश्चय नए हो व्यवहार नए, हाँ इसके नीचे और भी लिखा है, नए ज्ञान से नयातीत आत्मा को जानिए। प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान या वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, ये आप पढ़ चुके हैं। नए ज्ञान माने सम्यक ज्ञान का अंश, श्रुत ज्ञान का अंश, वस्तु के एक अंश को जानना और कहना। समझाने की जरूरत है इसमें नहीं है या जानना और कहने का क्या मतलब? कौन बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। ज्ञानात्मक नए और प्रश्नात्मक, बहुत सुंदर। आगे निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार की परिभाषा लिखी है इसमें, बहुत बढ़िया। मैंने कलेक्शन एक ही जगह पे हो गया, मुझे इस चार्ट को देख कितना आनंद आता है। आज की तारीख मुझे ग्रंथ पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उल्टा नहीं लेना आप पढ़ना, हम तो 55 क्रॉस कर गए ना इसलिए नहीं पढ़ रही, लेकिन मुझे इसी को देख देख के मजा आता है। बस जैसे मत ज्ञान चल रहा है ना, मत ज्ञान देख के मजा आ रहा है मुझे। एक सूत्र के ऊपर 20 पेज हो गए, वो अवग्रह या अवैध धारणा, उसमें 20 पेज के नोट्स, बहुत मजा आ रहा है। आइए अपन देख, एक ही द्रव के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय है। मोक्ष में प्रकाशक पृष्ठ 249 लिखा है, इसी में लिखा है, अलग से नहीं। जो वस्तु को अवेद व अनुपचार से जानता है वह निश्चय है। आपको ये समझ में आ रहा है? अवेद और अनुपचार, दो वर्ड याद करना है निश्चय में। अवेद तीन नयों में, तीन जो कल पढ़े थे अपन ने, तीन अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, ये तीनों अवेद करके बोलते हैं। और जब आठवें नंबर का आएगा ना, वो अनुपचरित आएगा, उसमें कोई उपचार नहीं, ना वो किसी से अवेद करना है, ना उसमें भी अवेद करना है, ना उपचरित करना, कुछ नहीं करना। वो उसकी चर्चा अपन आज शाम को करेंगे। इस साइड आ जाइए, व्यवहार नए चार्ट दिख रहा है, व्यवहार नए निमित्त उपचरित सहचारी की मुख्यता से कथन। व्यवहार की विशेषता, निमित्त की मुख्यता से कथन, उपचरित या सहचारी की मुख्यता। सहचारी एक शब्द समझाना मुझे, निमित्त और उपचरित तो आप समझ चुके इतने दिनों, बराबर। सहचारी समझना है, सहचारी सहचारी बर, ध्यान से सुनो मुझे, इधर देखो इधर, बर के साथ आए तो बराती, और बर नहीं हुए तो कौन? भीड़। अब बर नहीं आए तो भीड़ कहेंगे उसे हम, कभी सड़क पर कौन है, भीड़ बहुत है, लेकिन बर के साथ आए तो ये बर, बर हो गया चारी, बर हो गया चारी, और भी बराती है सहचारी। सम्यक दर्शन है चारी, और अनुव्रत 28 मूल गुण आदि है सहचारी। आगे समझ में आया? सम्यक दर्शन चारी, चारी माने पढ़ने वाला, चारी माने तीनों सिमग चारी, चारी आते हैं और इधर अब जो आठ आठ गुण क्या होंगे उसके,
आठ समिति दर्शन के आठ अंक क्या होंगे? सहचारी। मुझे के 28 मूल गुण क्या होंगे? सहचारी। मेरे ख्याल से तो सरल है, कठिन तो नहीं है। आगे चलो, कथनचित सत्य ये पढ़ा चुके हैं आपको। जो वस्तु को भेदभाव उपचार से जानता है वो व्यवहार नहीं, ये भी पढ़ा दिया आपको। परिभाषा भी आ गई, भावार्थ भी हो गया। अभी नीचे आठों के नाम आप पेज पलट लीजिए, दो पेज काम जल्दी करना। मैं चाहता हूं एक बार रीडिंग हो जाए ना, एक वर्ड टू वर्ड। ये है महागरिष्ठ पेज। महागरिष्ठ है, महागरिष्ठ तुम लोग ले लेना, बहुत काम आएगा तुम लोगों के लिए। अब देखिए, एक नए अपन एक चरित्र एक नंबर का नहीं ले रहे। एक नंबर का नाम तो आप जानते हैं पूरा, उपचरित असद्भूत। देखिए नीचे परिभाषा लिखी, आत्मा एवं शरीर से भिन्न, ये परिभाषा हुई आत्मा और शरीर से भिन्न। फिर आगे लिखा असंश्लिष्ट, असंश्लिष्ट संश्लिष्ट समझते हैं, जैसे दूध और पानी संश्लिष्ट है, शरीर और आत्मा संश्लिष्ट है। संश्लेष, संश्लेष से बना संश्लिष्ट। तो जो असंश्लिष्ट संबंध है, ऐसे चेतन अचेतन पदार्थों का एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ज्ञाता, कहना और जानना। भिन्न क्षेत्र आप गाई, भिन्न क्षेत्र आप गाई, ये एक क्षेत्र आप गाई है। शरीर और आत्मा कैसा है? एक क्षेत्र। ये भिन्न क्षेत्र आप गाई, प्रयोजन क्या है इसका? कि पढ़ा दिया आपको आश्रयभूत, याद है आपको आश्रयभूत। जब जब भी विकार होगा तो किसी का आश्रय करके होगा, तो आश्रयभूत। और बहिरंग निमित्त का ज्ञान कराना, बहिरंग निमित्त का ज्ञान कराना। बहिरंग निमित्त समझ गए? अनंत भगवान को देख करके सम्यक दर्शन होता है। नंदीश्वर दीप बनाए थे ना आपने पर्व वाले में, नंदीश्वर दीप, तो नंदीश्वर दीप में जाने से सम्यक दर्शन होता है जी। एक नंबर का नया होता है कि नहीं होता? कि नहीं होता। वैल्यू एक नंबर का नहीं, पॉइंट पकड़ में है, एक नंबर। भगवान जिनवाणी पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, कौन से नंबर का नहीं हुआ? एक नंबर। क्यों? जिनवाणी शरीर से भिन्न है, बराबर समय है। आगे देखिए, प्रयोजन आश्रयभूत और बहिरंग निमित्त का ज्ञान कराना। ये बहिरंग निमित्त का ज्ञान कराया, ध्यान रखना आपको याद है निमित्त दो तरह की होती है, बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। कर्म का उदय होता है ना, कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त कहलाता है, और देव सासगुरु ये बहिरंग निमित्त कहलाते हैं। समझ में आया? निमित्त कितने प्रकार के दो, कौन कौन से? देव सासगुरु कौन से निमित्त है? बहिरंग। और आठ कर्म कौन से निमित्त है? अंतरंग निमित्त। मानो दिखाई नहीं देते किसी को, इसलिए हमें गुस्सा आता है बहिरंग निमित्त पर। बहिरंग निमित्त पर गुस्सा आ जाता है, या प्रेम आ जाता है, या राग आ जाता है। दुनिया में सारे काम पैसे से होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं, एक नंबर का नहीं। दुनिया में सारे काम पैसे से होते हैं। अब जी बात जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि बहिरंग निमित्त है और अंतरंग निमित्त पता ही नहीं पड़ता जी। अच्छा एक बात पूछ रहे, कितने करोड़ रुपया होंगे कैंसर नहीं होगा? बोला लगा भाई साहब, तुमने कहा था ना सब काम पैसे से होते हैं, तो कितने करोड़ रुपया होंगे कि सिर दर्द नहीं होगा? बोलो। अरे बोलो। अच्छा कितने करोड़ रुपया होंगे कि भूख नहीं लगे? अरे अंतरंग निमित्त पे आ गई बात, सुनो। जीव को ये मिथ्यात्म अनादिकाल का, अंतरंग निमित्त को तो जानता नहीं है। टोडा मजी साहब लिखा है निमित्त का भी सच्चा ज्ञान नहीं। क्या कह रहे? निमित्त का भी सच्चा ज्ञान नहीं। दुखी तो है कर्म के उदय आदि से, सच्चा निमित्त वो, सच्चा निमित्त। और मानता है बाहर, जैसे हमारे लिए आज लाभ नहीं होना है, घाटा होना है। तो क्या घाटा होना था? हमारी घड़ी दूसरी सहेली ने ली तुम्हारी, और उसके यहां से छूट गई, और 500 रुपए की घड़ी नीचे गिरते से ही बंद हो गई। आपको किस पे गुस्सा आएगा? किस पे गुस्सा आएगी? सहेली पे गुस्सा आएगी, तुम्हारा यही हाथ सत्य नासी। हमारी 500 रुपए की घड़ी बिता दी। अब उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, 1% गलती नहीं, लेकिन ये मिथ्यात्म है, सारी दुनिया उसकी गलती मानेगी। आप सोचो, आप जैसे जैसे बड़े हो गए ना, लोग ऐसे ही मिलेंगे आप। लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि एक घर में शादी होकर बहू आई,
और उसी समय से बिजनेस में घाटा होने लगा। अब बिजनेस में घाटा कर रहे ससुर जी और कहते हैं बहू को लक्ष्य नहीं है, जिस दिन से घर में आई है उस दिन से घाटा होने लगा। अब कहां का ईट तो कहां का रोड़ा, मैंने समझ में आया बेटी, जगत में जिंदा रहना बड़ा कठिन है यदि एक नंबर और दो नंबर का ज्ञान नहीं हो। तो सच्चा निमित्त तो अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय है और बहिरंग निमित्त वैल्यू जीरो। यदि हम समझ जाए तो दुखी नहीं हो सकते। बता कोई आपकी निंदा करे तो, कोई आपको गाली दे तो दुख नहीं होता है? अब फिर से सोच के बोलो, इनसे पूछ रहे, बोलो बिटिया, कोई तुम्हें गाली दे दे, अच्छी डांट दे, फटकार दे तो दुख नहीं होगा? हैं? नहीं होता, नहीं होता कि नहीं होगा? नहीं होगा। होता तो है ना, नहीं तो फिर आज ही परीक्षा लेने पड़ेगी। मैंने जरा किसी ने बुरा बोला, अरे बुरा तो छोड़ दो, कोई आपके नगर की बदनामी कर देने, अब हम कौन से नगर की कहते हैं, अगर कोई चढ़ जाए बेचारा, हमें किसी नगर का नाम ले लें, अब हम नाम नहीं ले रहे, डर लगा। बहुत बेकार है भैया, वो नगर ही बेकार है। फिर देखो तुम नगर की बुराई करी, तुम्हारी नहीं करी हो, लेकिन तुम फौरन चढ़ जाओगे। आया समझ में आया? फिर से बोलो भाई, मिथ्या दूर करना, सच्चे निमित्त के मामले में मिथ्या दूर करना। कौन बोलेगा इसका उत्तर, कैसे दूर करना है? हमें सुनाई नहीं पड़ा क्या कह रहे? अरे चक्कर तो कल चलेगा, अभी तो सही चला। अभी सुनो सुनो, असली निमित्त कारण तो अंतरंग है जी। इसमें क्या हुआ, असली कारण तो अंतरंग निमित्त है, लेकिन जीव बहिरंग निमित्त पे दोष देता है, जबकि बहिरंग निमित्त कुछ करता नहीं है। सुनना सभी लोग, आप सुधार करने के लिए भी, ध्यान से सुनना, सुधार करने के लिए भी द्रव्यलिंगी मुनिराज ने बाहर से तो सुधार कर लिया, अंदर सुधार नहीं किया। तो अंतरंग निमित्त तो जहां कितना खड़ा था उसको, अंदर में विकारी भाव का निमित्त तो वहीं कहीं खड़ा था, जहां भेद विज्ञान करना था वहां तो किया नहीं। जैसे अपन कहेंगे दर्शन मोह, दुखी दुख में निमित्त कौन है मालूम है? दर्शन मोह, तो वो तो दूर किया नहीं। अब बाहर का सब बदल दिए। सुनना सभी लोग, सब लोग ललित भाई, सब लोग शिकायत करते हैं, तुम कह रहे थे इस ग्रुप में आ जाओ, सोनगढ़ में आ जाओ, सुनो दुख दूर हो जाएंगे, हमारे तो दुख ही दूर नहीं हुए। हम तो 25 साल से पार्श्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, हमारे तो कभी दुख ही दूर नहीं हुआ, हमारी चप्पल चोरी चली आती। मैंने क्या कहा, जब पार्श्वनाथ भगवान ऑथेंटिक है कि नहीं, सही है कि नहीं, उनकी जांच पड़ताल जी कैसे करता है? अब मान चलो आज से चप्पल चोरी नहीं जाए, तो ये तारीफ भी करेगा तो कैसे करेगा? पता है एक बात है, पार्श्वनाथ भगवान में दम बहुत है। मतलब क्या, उन इस बेचारे को अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त की भी सच्ची खबर, समझ में आया? बाहर का सुधार करना में तो टाइम लगा, के लिए अंतरंग का सुधार करो। चलिए आइए आगे चलते हैं। भाषा विज्ञान, लोक व्यवहार और सदाचार की स्थापना, यह पढ़ा चुके आपको, इससे विशुद्धि का ज्ञान हो सकता है। बताया था आपको, आप दूसरों की विनय करते हैं तो जैसे आपकी विशुद्धि की वृद्धि होती है, वो पता लग जाती है। आगे कर्तव्य एवं दायित्व का ज्ञान कराती है। निश्चय नय से, ये बहुत बढ़िया लाइन है जिसकी चर्चा करनी है मुझे, निश्चय नय से निषेध है, निश्चय नय से निषेध है, मैंने निश्चय नय से इसका निषेध किया जाएगा। कैसे, कल सुबह के प्रवचन में ये बात आएगी, आज नहीं लेंगे। आगे कर्तव्य, कर्तव्य क्या है, भिन्न पर पदार्थों निमित्तों से विरक्त होना, ये इस पहले नंबर के नए का कर्तव्य है। निमित्तों से विरक्त होना, बहिरंग निमित्तों से विरक्त होना, भिन्न पर पदार्थों में सुखी आशा त्यागना। क्या बोला हमने, भिन्न पर पदार्थों की, हाँ इसका नाम वैराग्य है। ए द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, सुख की आशा नहीं रखना, ये वैराग्य। एम का त्याग करना चाहिए, इसमें प्रथमान योग चरणान योग की सिद्धि होती है। फिर नीचे लिखा है असरण, क्या लिखा है नीचे, असरण, इस लगभग सातों में लिखा है, इस सातों में लिखा है असरण। असरण माने एक नंबर का नए के जो विषयभूत पदार्थ है वे शरण नहीं है, पंच परमेष्टि शरण, कैसी बातें कर रहे,
एक नंबर से शरण है कहा जाता है, लेकिन है नहीं। आप बोलोगे तो बड़े संभल के बोलना, क्योंकि सारी दुनिया में देखा जाता है पंच परमेश्वरी शरण है, और हम क्या है अशरण है। तो ध्यान से सुनने की बात है, ओहो जहां पंच परमेश्वरी ही अशरण कहे वहां स्त्री पुत्रादि शरण कैसे होंगे। और जिनको स्त्री पुत्रादिक शरण लगते हैं, पैसा दुकान शरण लगती है, फैक्ट्री शरण लगती है, सोना चांदी शरण लगती है, उन्हें कहा क्या कहा, पंच परमेश्वरी शरण है। यदि सोना चांदी से सुखी होते तो मुहिराजों के पास सोना चांदी होता, यदि महलों से सुख होता तो मुहिराजों के पास महल होने चाहिए थे। तो या तो तुम गलत हो या वे गलत हो, दो में से कोई एक गलत होगा। लेकिन आप क्या गाते हो बोलो, मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी। भव भोगन क्या है, एक नंबर, एक नंबर और दो नंबर, भव भोगन ते जी बताओ। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, जब वे बड़ भागी है तो हत भागी कौन है फिर भाई, जब बड़ भागी है तो हतभागी की लिस्ट बताओ। हतभागी से समझते भी नहीं, नहीं समझते, हत हत नहीं समझते, हत तेरे की घर में सुनी कि नहीं सुनी, हत हत माने धिक्कार है, हल्की है, खराब है, बुरी हत। आदिनाथ भगवान उसमें आते नहीं, माँ वे धिक, पहले सजा कैसे मिलती थी, यदि किसी से कह दिया माँ माँ मतलब मत करो, इतने बेचारा शर्मिंदा हो जाता था। जैसे सुमत प्रकाश जी उनका रसगुल्ला गटर में गिर गया तो उन्हें निकाल के खाने लगे, तो सब इनके खा करे और किसी ने टोक दिया तो वो जिंदगी भर के लिए शर्म हो गई, अरे भैया उन्हें भैया जी हम करके आ रहे थे, हम निकाल के खा रहे थे, तो माँ मत करो, हा 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 माँ अधिक, पहले हा हा जी क्या कर रहे, इतने इतने जी कर रहे। खनिया दाना में तो अभी बोलते हैं हा हा खाई, सुना है नहीं सुना आपने, आपके घरों में बोलते नहीं बोलते, हमने तो मैंने एक ही जगह सुनी है, फिर मैंने वो आलोचना पाठ में भी लिखी हा हा परमाद बसाई, हा 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 मैंने पहली सजाए हा हा क्या कर रहे, मत करो धिक्कार है। तो यहाँ हत तो हत भागी कौन, किसे ना जो पैसे में सुख माने, जो स्वर्ग में सुख माने, बोलो आगे बोले जाओ, जो टीवी में सुख माने बोले जाओ, मोबाइल में सुख माने, पांच जिंदगी विषय में सुख माने, और महिलाओं का सबसे बड़ा दुख इधर नहीं, अभी तुम लोग तो सुखी हो, घर में जाके देखो घर घर में एक ही, जब जाने तुमने पांच साल में एक अंगूठी बनवाई होगी वो एक घिसो पेटो हार पहन रहे 25,000 से, जब जानते एक बदलवा दी थी, ये दुख है। लेकिन सुनो जिनके पास हार नहीं है वे बड़ भागी है, कि जिनके पास हार है वे बड़ भागी। मैं तो सोचता हूँ घर के बाहर एक आध नाम कोई रखता तो नहीं ऐसा नाम, लेकिन लिखना चाहिए हत भागी हाउस, नहीं समझाए एक घर का भवन का नाम ऐसा रखना चाहिए। एक एक पता है मैं रतलाम में गया, रतलाम में रतलाम में एक बाहर मंदिर बनाया है, कहाँ जाते हैं नसिया टाइप में, नसिया बाहर बाहर जाते हैं, तो बीच में अपने उसी मेन रोड पे एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम क्या लिखा है, मिथ्या दृष्टि आश्रम तो वहां एक मिथ्या तापस रहता है, तापसी, उसे जानबूझ के लिखा है मिथ्या तापसी हूं मैं, नाम ही उसने ऐसा रखा मिथ्या। मुझे बड़ा पढ़ के आनंद आया, और रहता है उसमें एक नग्न साधु, नग्न साधु तो बोलता भी नहीं, मौन रहता है उनको, लोगों ने खुद ही लिखा है मिथ्या तापसी। वो जाता है शहरों में तो बिल्कुल बोलेगा नहीं, लेकिन लोगों से अपने आप ही सब्जी दे देंगे, जो जो चाहिए उसे दे देंगे और लेकर वापस आ जाएगा, मौन रहता है और नग्न रहता है देखो, और लिखा भी उसने आश्रम के बाहर। तो दुनिया में बहुत तरह के फूल हैं
आगे समझाए तो ये क्या करो कि हत भागी और बड़ भागी ये समझना। आगे आगे लिखा संयम वाचक धर्म, क्या संयोग, सॉरी संयम नहीं, संयोग वाचक, वाचक तो समझते ही हो है ना, तो संयोग को बताने वाला है, किसको बताने वाला है, संयोग को। दूसरा है पदार्थ वाचक संज्ञा, आपको याद है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अभी यहाँ ही पदार्थवाचक संज्ञा है। मैंने हम जब पढ़ाते तो संज्ञा के अर्थ में इसे बहुत अच्छा समझाते, तो संज्ञा पदार्थवाचक संज्ञा। और आखिरी में एक बात वो तो आपको याद ही है, कथनचित सत्य। ठीक इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आप 7 नंबर तक आ सकते हो। मैंने इसीलिए कल कहा था आप पढ़ लीजिए, यदि आपको बर्ड नहीं आता हो तो अपन उसको चर्चा करेंगे, बराबर है। अपन दूसरा नंबर पढ़े, दूसरा नंबर 15 मिनट अपने पास है, अपन दूसरे नंबर को पढ़ते हैं। आत्मा से भिन्न परंतु शरीर से भिन्न नहीं, संश्लिष्ट पदार्थ अर्थात 5 प्रकार के शरीर का एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व और ज्ञाता कहना जानना, ये भी एक एक क्षेत्र आप गाई है, वहां क्या लिखा था, एक क्षेत्र आप गाई, वहां क्या लिखा था, भिन्न क्षेत्र आप गाई। बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर स्टडी करें तो जिंदगी भर याद रहेगा। आप प्रयोजन क्या है कि अंतरंग निमित्त का ज्ञान कराना, अन्य को दोष देने, छोटा मजी साहब कहते हैं अन्य को दोष देना अनीति है, अनीति का त्याग हो गया, यह फायदा क्या हो गया, आप संयोग को दोष मत दो, संयोग समझ गए। हमारी मम्मी बहुत खराब है, मम्मी खराब नहीं, उन्हें दोष देना अनीति है। एक बार आई थी, पता नहीं आप में से कितने बच्चे उस समय रहे होंगे, बहुत पहले पढ़ाए थे ना, फिर इसके बाद पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया याद दिलाता हूँ, कहीं ना कहीं तो सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मेरे से, लेशिया याद है, अब उसे 6 नंबर की लेशिया, तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारे पुण्य पाप के टिफिन का माल है, काय का माल है वो, टिफिन का एग्जाम्पल याद है आपको, लंबा तो नहीं करना पड़ेगा। अब बताओ मम्मी खराब निकली, अब टिफिन को माल है, मम्मी जैसी है बर्दाश्त करो, मान के चलो तुम एक काम कर, यहाँ से करेला ले गए बना के, करेले की सब्जी ले गए और पूड़ी जला के ले गए खेरी खेरी, और खीर बनाई से भाभी जल गई नीचे से, अब तुम भर के ले गए, जैसे भी आइटम बनाए तुमने, कच्चे रसगुल्ला बनाए, अब ले गए भी, अब जो जो ले गए आइटम, अब क्या करोगे बताओ, भूख लग रही है, अब क्या करोगे, अब जैसा आया तो खाओ, मेरा मतलब ये अपने टिफिन का माल है। ऐसे ही कभी भी दूसरों को दोष देना अनीति है। और आपको एक बात याद है, सम्यक दर्शन की पात्रता में 3 बातें हैं, हाँ बोलो, अन्याय अनीति अवक्त का त्याग, तो जी अनीति है, प्रोटो मजी साहब ने लिखा है दूसरे को दोष देना अनीति है, तो उसका त्याग हो गया। आगे पढ़ेंगे पर भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, यहाँ सत्य का वजन पिछले नए के कथन से अधिक है। इंग्लिश में अपन बोलते थे वेटेज ऑफ ट्रुथ, क्या बोला था अपन ने, पिछले की तुलना में इसमें और ताकत आई। एक दृष्टांत देंगे, अभी पहले ही दे दूं, चलो फिर भूल भला जाऊंगा, एक दृष्टांत, तुमने साइकिल चलाई कभी, एक नंबर का नहीं, इनने साइकिल चलाई, अब हम फिर पूछा तुमने साइकिल चलाई कि पैडल चलाया, मैं तुम अपनी टांग हिला रहे थे, तुम तो अपनी टांग हिला रहे थे ना, साइकिल तो अपने आप चल रही थी, तुमने साइकिल कहाँ चलाई, तुमने तो टांग चलाई, हाथ हाथ से बैलेंस, हाथ संभाले रहे, ऐसे ऐसे हाथ होते तो, और चलो आंख आंख ठीक से नहीं देख रही होती तो इसका मतलब है शरीर की, अब ध्यान सुनो, दूसरे नंबर के नए में शरीर की अलर्टनेस से साइकिल चली, बराबर हो गया ना, अब तो फाइनल हो गया कि नहीं, अभी भी फाइनल नहीं, अब तीसरे नंबर में चलो, यदि तुम्हारा राग ना हो चलाने का, अलर्टनेस का विकल्प ना हो, कहां जाना है, कितनी जल्दी जाना है, ये विकल्प नहीं हो तो चला लोगे, इसको मैं सरल भाषा में कहूं राग कहना है, राग तुम्हें एक बार बोलो, एक बार सच्ची घटना है, मैं पहली बार चला रहा था स्कूटर,
पहली बार स्कूटर चला रहा है। तो अब गलती से तो क्या कहना चाहिए, ब्रेक लगाने की जगह बोलो जी अच्छा हुआ भीड़ नहीं थी, और भीड़ में भी मैडम नहीं थी कोई भाई जो टकरा जाते तो क्या होता, बच्चे होते कोई उनसे टकराते तो क्या होता। तो मैं तो सोच रहा मुझे ब्रेक लगाना, अब आदत काय की थी साइकिल चलाने की, वो साइकिल की ब्रेक होती ना इधर ऐसे, तो आदत तो उसकी पड़ी हुई थी। अब हम पैरों से पैडल तो क्या कहना था, ब्रेक लगाना था पैरों से, उसकी तो हैबिट ही नहीं थी, और जैसे ही रोकना था तो इधर की घूम गई एक्सीलेटर धाड़ समझ आया। मैंने इसका मतलब है कि सही समय पे सही राग होना चाहिए, सही समय पे सही ज्ञान होना चाहिए, दोनों ले ली ज्ञान और राग, दोनों लिए अशुद्धता में राग और ज्ञान में क्षोभ, सही हो तो साइकिल चला पाओगे। अब बताओ एक नंबर से साइकिल चलती है कि दो नंबर से कि तीन नंबर से, और चार नंबर में तो साइकिल चलती ही नहीं, मालूम है कि नहीं, चार नंबर में साइकिल कैसे चलेगी बताओ, चार नंबर तो समझ साइकिल ही नहीं चलती, तो फिर कार चलती हाँ कुछ भी नहीं चलती। तो अब देखो 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 आचार्य देव ने एक साइकिल चलाने में तीन नए घटाए, अब इसका वजन सबसे कम, इसका वजन ज्यादा, इसका वजन और ज्यादा है कि नहीं, इसको कहते हैं बैटेज ऑफ ट्रूथ का बढ़ना। आई बात समझ में आ गई सबको, कठिन तो नहीं लग रही, आगे देखो फिर से, निश्चय नहीं से निश्चित करने लायक है, कर्तव्य क्या है, कर्म एवं शरीर और निमित्तों से विरक्त होना एवं अहम का त्याग करना, पढ़ा चुका हूं आपको इतने दिनों में, कर्णानियोग और चरणानियोग की सिद्धि होती है इसमें, किस किस की सिद्धि हो गई, चरणानियोग समझ गए आप, आचरण की सिद्धि हुई, शरीर है ना, नमः त्रियोग संभारेंगे, ये छंद कौन से नए का है, दूसरे नंबर का है, मन वचन काय को संभालिए। अब यहां से आप ढूंढना, पढ़ना, इस पर डिस्कस करना, अगले साल जब सजाओ ना अपना सदन तो इससे सजा लेना, निश्चय व्यवहार से बहुत माल है इसके अंदर, बहुत माल है, आप इससे पूरा सजा सकते जोरदार है। चलो कर्णानियोग में क्या आ गया, कर्म आ गए, कर्णानियोग क्या आ गए, कर्मों की चर्चा आ गई, बराबर, आगे देखो आसरण है बराबर, क्रियावाचक संज्ञा, यहां क्रियावाचक संज्ञा मुख्य हो गई, शरीर में क्रियाएं होती हैं, वहां पदार्थ था, संयोग था, और यहां पर क्या हो गई, जरा देख के चला करो, देख के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे बैठ के पढ़ा करो, ये कौन से नंबर का कथन हो गया, घर में देखा है आपने, घर में मम्मी तीनों नयों का प्रयोग करती है, पता है आपको, करती कि नहीं करती, जैसे किताब पढ़ो, जैसे अंग्रेजी का पेपर हो तो क्या कहेगी मम्मी, अंग्रेजी पढ़ो, तो एक नंबर का नए, अंग्रेजी तो पढ़ रहा है लेकिन लेट के पढ़ रहा है बिस्तर के ऊपर, ढंग से बैठ के पढ़ो, ढंग से बैठ के बिल्कुल, अरे समझ समझ के पढ़ो रेलगाड़ी में एक आदमी पहली बार गांव से शहर जा रहा था बंबई, तो उसने बढ़िया कपड़ा खरीद लाए, सूट पैंट सब अच्छे अच्छे खरीद लाए, और चश्मा ले लिए, क्यों जिसने फिल्मों में देखा था ऐसे आदमी बन ठन के जाता है, सो सूट बूट टाई सब लगा रहे मैंने, और चश्मा भी लगा लिया, कैप भी लगा लिया, बैठ गया एक्सप्रेस में, सो एक आदमी वो भी सामने बैठा था, वो भी सजा धजा था अच्छा खासा, लेकिन वो असली था पढ़ा लिखा, तो उसने एक अखबार खरीदा अंग्रेजी का, तो उसने भी खरीद लिया और उसने अंग्रेजी का अखबार खरीद लिया तो पढ़ने लगा, तो इसने भी खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, तो कहने लगे काय भाई ये तुम कौन से गांव के हो, क्यों क्यों आपको कैसे पता कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, कैसे नहीं आती, तो बोले उल्टो तो अंग्रेजी को अखबार रखे उल्टा अंग्रेजी का अखबार, इसका मतलब तुम्हें पढ़ना नहीं आता, नाटक कर रहे हो तुम,
नकल में भी अक्कल चाहिए, अक्कल चाहिए माने तीन नंबर। तो क्रिया सुधारो, समझ में आया आपको? बोलो भाई, यदि आप देखो इन तीन नयों पर से मैं पूरा का पूरा एक घंटे का लेक्चर पूरे वर्ल्ड वाइड दे सकता हूं, वर्ल्ड वाइड इन तीनों नयों से। थोड़ा इशारा समझ गए होगे आप? अच्छे से टैलेंटेड बनने के लिए क्या करें? अब मैं कह दूंगा तीनों नए सुधार। टैलेंटेड बनने से केवल पहले पढ़ाई भी करो किताबों की, जिस दिन की जो परीक्षा है उसकी पढ़ाई करो, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। क्यों? पांचवी का पेपर है और दसवीं की पढ़ाई करो तो क्या होगा? तो वही तो कह रहे पढ़ो पढ़ो, हम पढ़ रहे, बोलो बोलो, अखबार पढ़ रहे, कहानी पढ़ रहे, बोलो। डॉक्टर ने कहा आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो क्या कहलाता आजकल डायबिटीज है, तो खेला करो। हो घर गए, खूब खेलते रहे खूब खेलते रहे, लेकिन डायबिटीज ही सही नहीं भाई। तो अगले दिन फिर आए एक सप्ताह बाद, डॉक्टर साहब 6 घंटा रोज खेल रहे। बोले का? ये फुटबॉल। बोले ऐसा कैसे हो सकता है 6 घंटा रोज फुटबॉल खेलते तो तुम जहां आते ही नहीं, तो कब तक खेलती हो? कि जब तक बैटरी रहती है उस मोबाइल में। समझ आया? ये भाई तीनों नए लगाओ जी, कह रहे हैं तीनों नए लगाने पड़ेंगे आपको। हमने खेलने की कही तो मोबाइल खेलने लगे। मम्मी डॉक्टर ने कही है खूब खेलो, तो बेटा मोबाइल खेलने की नहीं कही, आउटडोर गेम खेलने की कही। मैंने मेरा समझ आया कि नहीं आया? तीनों नए लगा। अब आप कितने टैलेंटेड होने के लिए क्या करो? सही पुस्तकें पढ़ो, सही तरीके से बैठ के पढ़ो और उपयोग लगा करके पढ़ो। अब जो तीन बातें, सच कह रहा हूं मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं यदि राइटर होता ना वर्ल्ड लेवल पे किताब लिखता है इससे तीन नयों से। विश्व में आपको जहां भी सफलता चाहिए इन तीन बातों की एक रूपता चाहिए। कई लोग ऐसे पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, लेकिन शरीर से आलसी नंबर एक, दो नंबर से गड़बड़ हो गई, दो नंबर से है बहुत तेज, और क्या एक नंबर की गलती। रसोई बनाने में सफल होने के लिए तीनों नए चाहिए। कोई भी काम, दुनिया का कोई काम मुझे बताओ, मोक्ष जाने के लिए भी तीनों नए होगी कंप्लीट सही चाहिए। आप देखते हैं माला फेरते तो कई लोग उनका शरीर ऐसे, जे क्या मतलब भैया? मोटरसाइकिल चला लोगे यहां से? कहे मोटरसाइकिल चला लोगे महादेव? अरे तो जब हम तुमसे कह रहे सामायिक करो अच्छे से करो, सामायिक का मोटरसाइकिल से भी गई भी थी, दुबलो पतलो मोड़ा हुए मोड़ा, बिल्कुल 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 दुबलो, अब वो भी लड़की देखने जाता तो यहां से बैठता है घोड़ा पे ऐसे बैठता है और सामायिक भाई तीन में से एक भी गलती करो। अरे एक क्यों? एक आध भगवान ऐसे हैं, एक आध भगवान ऐसे जिनका शरीर का आकार ठीक से ना हो। कुछ कह रहे हैं हमने, बहुत कुछ कह दिया आपको। सफलता के लिए तीनों नए चाहिए, एक नंबर भी व्यवस्थित चाहिए, दो नंबर भी व्यवस्थित चाहिए और तीन नंबर भी व्यवस्थित चाहिए। मैं एक दृष्टांत देने के बाद कहता हूं, पूरे मोक्ष मंडल की बात कर रहा हूं कुछ जानबूझ करके। मोक्ष मंडल में ये बात बहुत लगती है, शुद्ध खाबिस का हो, तीन बार क्यों धोबिस का हो, और कपड़ा पहन भी सका, चाहे जैसे कपड़ा पहनो अपन मिसेज डिसूजा बन जाओ। मैम का है मिसेज डिसूजा, समझ गई? नहीं समझे? ईसाई ओल का पोल का पहन लू चाहे जैसे। मैम का हो गई पास का बहुत अत्यंत भाव है, हमें वही गटर को पानी पी लो वहां में भी अत्यंत जी कौन सी बात है भाई? जहां क्रिया की बात है वहां क्रिया, जहां संयोग की बात है वहां संयोग। क्यों? सुमत प्रकाश जी दारू की होटल, पंडित साहब कहते हैं ब्रह्मचारियों के, उसमें लिखा है ब्रह्मचारियों के, उसमें निर्देश है ना ब्रह्मचारी निर्देश, उसमें लिखा है विद्वानों को त्यागी व्रतियों को भोजन करना हो तो स्थान भी देख करके बैठे। ढाबा जैसी जगह में भली अच्छी जगह है, ढाबा में बढ़िया टेबल कुर्सी है तो भी वहां बैठ के मत खाओ। लोग एक व्हाट्सएप पे निकाल देंगे सुमत प्रकाश जी की फोटो खींच के, पंडित जी ढाबा में से निकल रहे झट उनको ऐसा हो जाए ढाबा में, पंडित ढाबा में खाए।
बोतल का पानी मत पियो। क्या बोतल का पानी पीते थे लोग? खनिया थाना की सच्ची घटना है, एक लड़का लड़की देखने आया। अब लड़का लड़का थे चार पांच, आप क्या कहते हैं लफंगा के, वो अच्छा नहीं लगा बराबरी के, बस देख के आए और सड़क पे ऐसे घूम रहे, और तो प्यास म्यास लगी हुई, तुमने कही क्यों यहाँ कहीं बोतल मोटल नहीं मिलेगी? अब बोतल का मतलब तो गांव में वो ही होती है। बोतल नहीं मिलेगी तो उनकी बस स्टैंड पे है, तो बस स्टैंड चले गए और कोको कोला वगैरह जो उन्हें पी होगी पी पा के आ गए। अब आ तो गई, अब चले गए अपने जहां से आए थे। अब वो बात उनके घर तक पहुंच गई लड़की वालों के घर में कि भैया वो कौन थी भी लड़का जब आए थे? बोले हमें देख भी आए थे। तो पक्की कर ली हमने, पक्की कर ली ये तो बोतल पिया। बोतल पिया अब भी लोग हम पे आए रोते रोते, भैया हम तो फंस गए, तुम आए गांव की भाषा है, तुम आए चिनार के हैं, हमारे पहचान के हैं, अब आप सही सही बताओ हमारी मोड़ी कुआ में तो नहीं गिरेगी? हमें भी बड़ा दुख हुआ, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लड़का तो हमारा परिचित है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने फोन लगवाया, हमें पूछा भाई, पहले भाई साहब वो तो बोतल मतलब गर्मी थी तो लिमका विमका पीना थी उसके लिए बोतल, मेरे बेटा कहीं समझे भाई भाई शब्द भी सही चाहिए। अब जेनी जेनी वो मुमुक्ष हो गई, आप कौन सा स्नैक खाएंगे? भैया हम तो स्नैक माने सांप जा रहे थे। अब बड़े गर्व से स्नैक लाइए, स्नैक मुरमुरा लिया है, वो स्नैक कह रहे। आपको समझ में आया कुछ? मैंने दो नंबर का भी महत्व है, एक नंबर का भी महत्व है और तीन नंबर का भी महत्व है। ऐसा नहीं एक नए घोड़ा दो, मैं तो इसके लिए बहुत सरल भाषा में कहता हूँ, बोलो यदि मैं भी अभी वो पहन के आ जाता, क्या कह रहा था जी तुम्हारा जीन्स और एक ऊपर से टी शर्ट और ये कैसे गॉगल वॉगल लगा के आ जाता, तो बोलो मेरी ड्रेस प्रवचन करती कि मैं मतलब ड्रेस का कर रही प्रवचन, उसका तो अत्यंत अभाव है, आत्मा में ड्रेस का अभाव है, ड्रेस में आत्मा का अभाव है, तो प्रवचन कौन करेगा? प्रवचन तो हम करेंगे। बोलो राजकुमार जी कराओगे कि नहीं? देख तो ये भाई क्या कोई देख ना ले तुम्हें, जाओ कोई नगर का कोई व्यक्ति देख लेगा अब भाई व्हाट्सएप पे छा जाओगे, देखो पंचम काल के भ्रष्टाचारी। कुछ समझ में आए बेटे? तीन नयों का महिमा बता रहे हम आपको। मैंने इसके लिए बहुत पैना दृष्टांत दिया जिंदगी में, पहली बार राजकोट में, राजकोट में दिया था मैंने इसका। मैंने कहा सुनो एक तीन साल का बच्चा भी स्कूल जाता है ना तो उसकी ड्रेस सही होती है, एक नंबर का नए, उसकी भी एक बोतल होती है, उसकी भी एक दिनचर्या होती है, भले वो पहली बार जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं 24 घंटा खाते रहे, वहां इंटरवल होगा तब खाइए, खेल का पीरियड है तो खेलिए, सारे बच्चे एक साथ खेलेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ टेस्ट होगा। मुझे दुख की ये बात है, दुख की बात है, हम सारे मोक्षु श्रावक ये जैसा क्यों नहीं कर सकते? स्कूल में एक साथ कर सकते हैं, एक जैसा परेड में एक जैसा कर सकते हो, बैंकों में एक जैसी ड्रेस हो सकती है, रेलवे में एक जैसी ड्रेस हो सकती है, हवाई जहाज में पायलट की एक जैसी ड्रेस हो सकती है, सबके पास आई कार्ड लटकाना कंपलसरी में लटका नहीं है, और यहां जब तक हम आई कार्ड का नियम नहीं तोड़े तो हमसे बड़ा वीर कौन? ड्रेस हमारी यदि इधर उधर की नहीं हुई तो हमसे बड़ा बलवान कौन? उधर मैंने दृष्टांत दिया, सब ड्रेस क्या करेगी, ये को तर्क नहीं करते हम। आपको हमारी संस्था में पढ़ाना हो कॉन्वेंट वगैरह में तो यही ड्रेस होगी, कि साहब बहुत गरीब आदमी है छूट दे दो, छूट वूट कुछ नहीं, तीन ड्रेस तो तीन, दो तरह के मोजा तो मोजा, दो तरह के जूता तो जूता, और जैसा लंच बॉक्स तो लंच बॉक्स, बैग तो बैग, साहब बहुत किताबें महंगी हैं 250-250 रुपया की, तुम लेना है कि नहीं लेना ये बोलो, कि साहब हम एक शर्त है हमारी, बोलो हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना ड्रेस बनाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे तो हमारा लड़का डॉक्टर तो बन जाएगा कि नहीं? बोलो प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, बनेगा या नहीं बनेगा ये हमारी कोई गारंटी नहीं, इसकी योग्यता होगी तो डॉक्टर बन जाएगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगी। तो फिर
हमारी संस्था में रहना है तो ये ड्रेस पहननी पड़ेगी। यानी हम आपसे कह रहे बेटे, यदि आपको जैन संस्था में रहना है, महावीर भगवान के मार्ग में रहना है, तो आपके तीनों नए सच्चे होने चाहिए। आपकी ड्रेस भी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका मन वचन काय की प्रोसेस भी प्रॉपर होनी चाहिए, रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। ये छूट दे दियो, छूट का कोई काम नहीं, डॉक्टर छूट देता है। बोलो इलाज कराना है कैंसर का और तंबाकू खाओ, तो डॉक्टर से कहता ना छूट दे दियो। हाँ कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरो, ऐसी श्रद्धा काम नहीं आएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, घंटा भर भी बोलेंगे तो काम है। सब भगवान की पूजा करवे में कितने लोग हैं आलसी, खुद ऐसे खड़े रहेंगे और फिर जब भगवान को अभिषेक कर रही हमें पंडित साहब इसकी बात कहते, पंडित साहब मन क्या बोले इसके ऊपर, भैया कोई रोटी खाए तो मैं ऐसे कर नहीं पाया। ये बहुत बढ़िया, एक रसगुल्ला लाओ और सब जिन्हें हाथ लगाए हम खा ले रहे, सबको पेट भर का बात तो बिल्कुल। आपकी समझ में आ रहा है कुछ बेटे? तीनों तीनों समझ गए, तीनों। आपका बहिरंग ड्रेस भी अच्छी होनी चाहिए, घर परिवार भी ठीक होना चाहिए, आपके आपके आचरण से लगना चाहिए आप जैन हैं, फिर आपका शरीर का आचरण भी सही होना चाहिए। पूजा करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी गलतियां होती हैं। फिर लोग कहते हमें सफलता नहीं मिल रही, इतने साल से पूजा कर रहे परिणाम नहीं सुधर रहे, हमारे को पुण्य को उदय नहीं आ रहा। सही बात है भैया, वो तो सीता जी के टाइम आए थे देवता, अब तो कोई देवता आता ही नहीं, देवता का तुम जैसे बुला जाए फिर से सुन लो, तीन नंबर सही हो रख के देखो आप, पंचम काल में भी देवों ने 12 बरस आहार दिया है। क्या बोल रहे हैं हम? पंचम काल में भी 12 बरस देवों ने आहार दिया है मुनिराज को, चंद्रगुप्त मुनिराज को। ऐसा नहीं सोचो, आप सही तो हो, जल्दी जल्दी पूजा कर रहे, कहीं देख रहे, कहीं द्रव चढ़ा रहे, ऐसे काम नहीं होगा। विचार करना, हमने दो पढ़ा दिए, यदि किसी को और भी पढ़ना हो तो 5 और रह गए अभी, वो आप पढ़ लेना। और आज रात को कल सुबह का पीरियड में अपन 8 नंबर पढ़ाएंगे। जो नहीं समझ में आता अभी पूछ लेना, पूरा पढ़ सकते हो, 15 मिनट के अंदर पूरा पढ़ सकते हो। और वैसे तो यह विद्वान है आपके पास, मैं तो जरूर चाहूंगा कि जिंदगी में से घोल के पी जाओ। मेरे लिए तो ये समझ लो GPS है। GPS समझते हो? नहीं समझते? GPS समझते हो? बस तो ठीक है, सब समझते हो। मोक्ष ले जाने का GPS है हमारा। मेरे से कोई कहते ना कि कोई ग्रंथ मत पढ़ो, तो जिंदगी इसी में से प्रवचन करता रहूंगा और नए नए निकलेंगे। पूरा समय सार है इसमें, पूरा सब चरणानी हो गया, पूरे चारों नहीं हो गए इसमें। चलिए बेटे, टाइम हो गया।